ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम ब्लेंडर 2.59 के लिए हार्डवेयर विशिष्टताओं और आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र केरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज कृपाली परमार द्वारा दी गई है। पहले हम देखेंगे कि ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट हार्डवेयर आवश्यकताओं के बारे में क्या कहती है। अपना इंटरनेट ब्राउजर खोलें। मैं फायरफॉक्स 3.09 का उपयोग कर रही हूँ। एड्रेस बार में www.blender.org टाइप करें और एंटर की दबाएं। यह आपको ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। प्रदर्शन की आसानी के लिए पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट पेज पहले से ही लोड किया है। ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है। ब्लेंडर 2.59 लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रही हूँ। ब्लेंडर के विभिन्न भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के अलग-अलग खंडों पर निर्भर है। तेज सीपीयू और अधिक रैम प्रतिपादन की गति को बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। जब ब्लेंडर इंटरफेस, व्यूपोर्ट्स और रियल टाइम इंजन गति, ग्राफिक्स कार्ड की गति से प्रभावित होती है। तेज और बड़ा हार्ड ड्राइव भी कार्य की गति बढ़ा सकता है, जब बड़ी वीडियो फाइल्स के साथ कार्य कर रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर संस्था उपयोग के तीन भागों के लिए हार्डवेयर विशिष्टताएं दिखाती है, मिनिमम, गुड और प्रोडक्शन लेवल। ब्लेंडर को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम हार्डवेयर विशिष्टताएं है 1 GHz सिंगल कोर सीपीयू, 512 MB रैम, 1024x768 पिक्सल डिस्प्ले विद 16-bit कलर, 3-button माउस, OpenGL ग्राफिक्स कार्ड विद 64 MB रैम। अच्छे स्तर के लिए 2 GHz ड्यूअल कोर सीपीयू, 2 GB रैम, 1920x1200 पिक्सल डिस्प्ले विद 24-bit कलर, 3-button माउस, OpenGL ग्राफिक्स कार्ड विद 256 और 512 MB रैम। उत्पादन स्तर के लिए हार्डवेयर विशिष्टताएं होंगी 64-bit मल्टीकोर सीपीयू, 8 to 16 GB रैम, 2x1920x1200 पिक्सल डिस्प्ले विद 24-bit कलर, 3-button माउस प्लस टैबलेट, 1 GB रैम, ATI FireGL या NVIDIA Quadro के साथ OpenGL ग्राफिक्स कार्ड। सुनिश्चित करने के लिए कि आप किसी एक निर्दिष्ट स्तर से जुड़ते हैं, आपको अपने सिस्टम कॉन्फ़िगर को चेक करने की आवश्यकता है। अपनी ब्राउजर विंडो को मिनिमाइज करें, कंट्रोल पैनल पर जाएं, यहां सिस्टम आइकॉन पर डबल क्लिक करें। अतः यहां आप अपनी मशीन की वर्तमान विशिष्टताएं देख सकते हैं और ब्लेंडर संस्था द्वारा प्रस्तावितों के साथ तुलना कर सकते हैं। अधिकतर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32-bit या 64-bit होते हैं। मैं 32-bit विंडोज का उपयोग कर रही हूं। 32-bit और 64-bit सीपीयू की जानकारी के संचलन के तरीके को प्रस्तुत करते हैं। विंडोज का 64-bit वर्जन 32-bit सिस्टम से ज्यादा प्रभावशाली और बड़ी मात्रा में रैम को संचलन करता है। और यदि आप ब्लेंडर के लिए नए कंप्यूटर में निवेश करने की सोच रहे हैं, www.blenderguru.com/the-ultimate-guide-to-buying-a-computer-for-blender पर इस लेख को देखना एक अच्छा विचार होगा। यह मार्गदर्शिका आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूर्ण विवरण देती है। सीपीयू, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, केस, और हार्ड ड्राइव।
ब्लेंडर के लिए हार्डवेयर आवश्यकताओं पर इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/enemyict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाता है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनके प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।